एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं देखिए मैं कोई बात शुरू करूं उससे पहले कुछ लोगों के सवाल ये थे कि बेसिकली मेरा चैनल किस चीज के लिए है, मतलब कोई पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर है मेरा चैनल बेस्ड या फिर कुछ भी मैं बना देती हूँ। सिंपली ये है कि एंटरटेनमेंट और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। हाँ, देखिए तो मेरा चैनल बेसिकली सिर्फ फन, एंटरटेनमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिविटीज आपको शो करना है, उस सब चीजों के लिए ये मेरा यूट्यूब चैनल बना। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो ये है 90s का दौर। और देखिए भाई, 90s की बात होगी तो जरूरी है कि मैं भी थोड़ा कैसे लग रही हूँ मैं। तो भाई देखिए, अगर 20s से पहले यानी 90s 80s की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को जब वो दौर याद आता है तो सबसे पहले या तो मूवीज याद आती है या फिर याद आते हैं उनके गाने। और गाने जो कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो हमारे दिल को छू जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एवरग्रीन सॉन्ग। और जब कभी भी उनको सुन लो ना, बस सुनने का मन ही करता है। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं तो उन्हीं के बारे में कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन जो आज की जनरेशन है यानी जो 21st की जो जनरेशन है वो उन गानों को कितना पसंद करती है उसकी बातें करेंगे। जब 90s के गाने हम लोग याद करते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है गानों के साथ साथ उनके जो सिंगर्स हैं उनकी भी हमें याद आ जाती है। जैसे कि बप्पी लहरी, कुमार सानू, लता मंगेशकर जी है, आशा भोसले जी है, उनके जब गाने वाह वाह सुनते हैं ना तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल बोल के चली गई हो। इतनी मधुर उनकी आवाज है कि हम तो खैर गा नहीं सकते, मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है, लेकिन अगर मैं उनके जैसा गा लूं तो फिर मैं सिंगर ना बन जाती क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को पुराने दौर में लेके चले, यानी पुराने कुछ गाने ऐसे सुनाए जिनको सुन के ना आप जी उठेंगे फिर से एक बार, जो बहुत ही एवरग्रीन सॉन्ग रहे हैं और बहुत ही हिट रहे हैं। यहाँ तक कि आज के लोग भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बात, बहारों फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, दिन बीत जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूट पर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी
सिद्दीकी के गाने मैंने आपको सुनवाए हैं, तो मेरा भी मन कर गया कि मैं अब गाना गाऊं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जानते ही होंगे कि मुझे डांस के साथ साथ गाने का भी काफी शौक है, और आप लोग मुझे कहते भी है कि कभी कभी गा लिया करो, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी गा लेती हूँ, दो लाइन तो मेरे लिए बनती है ना, तो चलिए तालियां भी बजा दीजिएगा अपने पास से, है ना, दूर दूर से, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। चलिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो भाई देखिए, मैंने भी गा दिया, और जब मैं गाने लगती हूँ ना तो मैं खो ही जाती हूँ उसमें, तो फिलहाल तो आप लोग मुझे मेंशन जरूर करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा गाना। लेकिन अभी आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ तो आज की जनरेशन को ना ज्यादातर तड़कते भड़कते गाने यानी रॉकिंग सॉन्ग्स पसंद होते हैं, और उनमें से कुछ सॉन्ग ऐसे भी होते हैं जब वो थोड़ा सैड हो जाते हैं ना, तो वो भाई सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, या फिर सूफी सॉन्ग सुनते हैं, या फिर सॉफ्ट सॉन्ग सुनने लगते हैं। अभी देखिए, गानों के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के गाने होते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन जब बात आती है 90s के या फिर उससे पुराने जो गाने थे, यानी 20s से पहले के जितने भी गाने थे, वो एवरग्रीन इतने होते हैं कि जो आज की जनरेशन है कहीं ना कहीं वो भी उस गानों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओ ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, सीढ़ियों का इस्तेमाल कर, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा, पतला हो जाएगा, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, निकल चल चल, डिस्टर्बिंग है, रिमाइंड्स है, इनको छोड़ो यार, तुम लोग कहां सुन रहे हो, मुझे सुनो। अच्छा, पुराने गानों की जो लाइंस होती थी ना, उनके पीछे कोई ना कोई एक मतलब, एक रहस्य जरूर छिपा होता था, मतलब कुछ गानों को छोड़ के, लेकिन अधिकतर सारे गाने ऐसे ही होते थे। अब जो शायर लोग हैं उनके लिए तो ये गाना एकदम परफेक्ट है। मैं शायर तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। देखो इनको तो देखते ही शायरी याद आ जाती है, तो मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ, ये तो थोड़ा रोमांटिक फिल्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा ज्ञान भी छिपा होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू आज के गाने, जो आज के गाने होते हैं ना, तो वो अच्छे तो होते हैं, ऑफकोर्स हम सभी को पसंद होते हैं, तभी तो इतना चल रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो पुराने जो लोग हैं ना, वो उन आज के गानों को ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनसे सुने ही नहीं जाते, और उनको लगता है ये क्या बेसिरे पैर के गाने हैं, हमारे तो सर के बाहर है, हमें तो समझ ही नहीं आते ये गाने। तो उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो शायद वो नहीं सुन सकते, लेकिन जो पुराने गाने हैं वो हम लोग सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ यहाँ पे थोड़ा चेंज होना चाहिए, कि जो आज के गाने हैं वो ऐसे गाने बनाए जाए जो पुराने जो लोग हैं वो भी सुन सके, ये मुझे थोड़ा बहुत लगता है। क्योंकि कुछ गाने तो ऐसे हैं जो बेसिर पैर के हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग बहुत, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, अगर यार हंस लिया तो प्लीज बारिश बंद करा दे, तेरा सूट बड़ा टाइट, 5 फुट की तेरी हाइट, एक काम कर, पहले तू ही गा ले, मैं इस बार में बात कर लूंगी, डिस्टर्बिंग है रिमाइंड्स यार, सॉरी है ना, बाकी तो यार देखिए मैं फिलहाल इसको देख करके आती हूँ, इसने ना मुझे परेशान किया हुआ है इस वक्त, तो मैं जाके गलती जरूर मैं लोगों के खोलियो, और एक ड्रामा, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को किस तरीके के गाने पसंद है। यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं 90s के गाने बहुत ज्यादा हिट है, और कहीं ना कहीं आज के जो गाने हैं वो ज्यादा हिट है, तो सबकी अपने अपनी पसंद है, तो आप लोगों की क्या पसंद है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी माँ जल्दी आ जा, मुझे डर लग रहा। हाँ बाबा मैं आ रही हूँ, परेशान आत्मा है ये, चलिए मैं इसको देख के आती हूँ। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।